हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत ऑडिबल। चलिए, नमस्कार 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 सभी को, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बढ़ने वाले हैं साथियों रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आवाज मिसमैच हो रही है, ऑडिबल? चलिए तो साथियों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कल रात हमने पढ़ा था, आज रात में भी क्लास लगी हुई है। मालूम है ना, आज रात में भी क्लास है, एक बार देख लेना जाके, ठीक है? आज रात में भी क्लास लगी हुई है, एक बार चेक कर लीजिएगा। रात को 10 बजे क्लास है, ठीक है दोस्त? तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, रात के 10 बजे लगी है, ठीक है? चलो तो एक बार सारे बच्चों से मेरी खासतौर पर रिक्वेस्ट है कि क्लास जरूर जाके देख लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? रात को लगी क्लास 10 बजे, कल भी पढ़ाया था मैंने। जिन बच्चों ने कंपाउंड इंटरेस्ट को नहीं देखा वो रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी मिसमैच हो रही क्या आवाज? एक मिनट, नाउ ठीक है, ऑल ओके, ये बोलो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं बिना देरी के, फिर कंटेंट छूट जाता है आखिरी में आते आते। स्पेशल क्लासेस के बारे में पता चला आप लोगों को कि मेरी यूट्यूब क्लासेस नहीं हो रही आजकल, स्पेशल हो रही है? है ना, स्टूडियो फिलहाल अभी शिफ्ट हो रहा है, तो स्पेशल क्लासेस अभी फिलहाल के लिए क्या है आप लोगों की? स्पेशल क्लासेस अभी फिलहाल हो रही है, यूट्यूब नहीं हो रही है। अब नहीं मालूम तो मैं बता दूंगा, आज भी वीडियो पढ़ दूंगा, ठीक है? चलो स्टार्ट कर रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये कैसा टॉपिक है जो बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। जिसे कहते हैं मजेदार टॉपिक है ना? तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, यानी अनुपात और समानुपात। अब अनुपात क्या होता है? अनुपात इसका मतलब होता है, अनु मतलब पता होगा आपको, छोटा, बोलते ना ये मेरा अनुज है। और पात बेसिकली जो बना है, पात मतलब होता है पार्ट, पार्ट इंग्लिश वाले पार्ट से लिया गया है, तो इसका मतलब हुआ छोटा पार्ट। तो अनुपात का मतलब है छोटा पार्ट। छोटा पार्ट का मतलब होता है कि कोई भी नंबर किसी का कितना छोटा है, दिस इज कॉल्ड रेशियो। जैसे मैंने कहा 4 और 2, इसका सबसे छोटा भाग क्या होगा? सबसे छोटा भाग तो मैंने क्या कहा, 2 और 1, सबसे छोटा भाग, ये 2:1। तो रेशियो को डिनोट करने का सिंबल ऐसे 2 बिंदी है, ये सिंबल है कि रेशियो को 2 बिंदी से दर्शाया जाता है कि इस तरीके से। अच्छा, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन भी होता है, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन भी है, और रेशियो का दूसरा नाम परसेंटेज भी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अब आप क्या होगे, कैसे देखिए, अगर लिखा है 1:2 तो इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो, और इसी चीज को आप 1/2 को अगर आप देखोगे तो 0.5 भी लिख सकते हो, सही है, 0.5 भी तो लिख सकते हैं, और इसी चीज को आप 50% भी लिख सकते हो, आया ना बोलो? तो रेशियो को फ्रैक्शन के अलावा डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते, तो डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज भी रेशियो को बना सकते हैं। तो रेशियो का दूसरा नाम डेसिमल, फ्रैक्शन और परसेंटेज भी है। एवरीवन, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला पॉइंट डाउट है तो पूछ सकते हो आप, बेची जगह के पूछ सकते हो, ठीक है? अब इसकी परिभाषा जो है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसको किताबी भाषा बोलते हैं। तो किताबी भाषा में इसको किस तरीके से दर्शाया जाता है, तो आइए, जो मैं रेशियो आज पढ़ाऊंगा ये आपके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। जो रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज हम लोग पढ़ेंगे, और कल हम करेंगे इस पे एग्जाम ओरिएंटेड सवाल,
तो आज की क्लास देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। हो सकता है कि आपने इनमें से पहले कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मुझसे रेशियो पहले भी पढ़ा है, तो जिन्होंने मुझसे पहले रेशियो पढ़ा है तो उनका रिवीजन हो जाएगा, उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या कहा, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी द सेम यूनिट इज अ फ्रैक्शन ऑफ ए बी। वही मैंने आपसे कहा ए और बी कोई है तो उसी को आप ए रेशियो बी लिख देते, सीधा गेम है। पहले टर्म्स को एंटासीडेंट बोलते हैं, लास्ट टर्म को कॉन्सीडेंट बोलते हैं। इसकी जरूरत हमें नहीं है, है ना, इसकी जरूरत नहीं, कौन क्या है कौन क्या है, इतना बेसिक नहीं पूछता एग्जामिनर। अच्छा, प्रोपोर्शन क्या होता है, ये तो बात हुई रेशियो की, अब बात आती है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है समानुपात, समानुपात। समानुपात का मतलब है व्हेन टू रेशियो आर इक्वल, जब दो रेशियो आपके बराबर होते हैं दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन, कि जब दो रेशियो बराबर होते हैं तो इसको कहा जाता है प्रोपोर्शन। यानी जैसे मैंने कहा ए रेशियो बी बराबर, मैंने आपसे कहा सी रेशियो डी, मैंने आपसे कहा सी रेशियो डी, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, अगर ये बराबर है तो प्रोपोर्शन होंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए डी बराबर बी सी, कहीं पर अगर कोई प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब ये हुआ। डन, प्रोपोर्शन की थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई, क्वेश्चन इस पे बनेगा तो समझना बहुत जरूरी है। फास्ट एवरीवन, फास्ट जल्दी से बोलो, एवरीवन फास्ट। ठीक है, क्या कहा, दो रेशियो बराबर है, जैसे मैंने कहा दो रेशियो तीन चार बिंदी का मतलब होता है प्रोपोर्शन या फिर इक्वल, फोर रेशियो एक्स दे आर इन प्रोपोर्शन, दे आर इन, तो आप क्या करोगे कि दो अपॉन तीन बराबर चार अपॉन एक्स, तो दो दुनी चार तो एक्स की वैल्यू हो गई छह। डन, थम्स अप, समझ में आ गए, तो ये सवाल आते नहीं है, बस जस्ट फॉर नॉलेज कि प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो क्या होता है। कभी ऐसे हम लोग आठवीं नौवीं के एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं कि हमसे पूछेगा कि बताइए प्रोपोर्शन की परिभाषा बताइए, वो गेम खत्म हो चुका है, डेफिनेशन वाला गेम नहीं रहा। तो अब सीधा सीधा गेम क्या रहा है कि भाई साहब क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो उसमें आपको बनाना है। डन, एक बार अंगूठा ऊपर हो जाए सब लोग, हरी अप फास्ट। ठीक है, चलिए अब सवाल कैसे आते हैं, सबसे पहले आता है इसमें बैलेंसिंग करना, रेशियो को बैलेंसिंग कैसे करते हैं। बैलेंसिंग का मतलब कि हर चीज बराबर होनी चाहिए, जैसे अगर आप देखोगे आपने कि ए अनुपात बी जो है वो दो अनुपात तीन है, फिर आपने कहा बी अनुपात सी जो है वो चार अनुपात पांच, तो आपने क्या कहा कि बी और बी, बी और बी अलग अलग नहीं बराबर होने चाहिए, तो यहां मल्टीप्लाई तीन और यहां चार, तो यहां चार से कर दो यहां तीन से कर दो, देन चार दुनी आठ, चार तीन बारह, तीन चौको बारह, तीन पंजे पंद्रह, तो आपने क्या कहा ये बराबर है बेसिकली, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बेस्ट। एक बार हाँ या ना बोलो साथियों, फास्ट फास्ट एवरीवन। ठीक है, बैलेंसिंग एक तरीका, दूसरा तरीका भी हमारे पास ए रेशियो बी दो तीन, पर ये रटने वाले मेथड होते हैं, मैं कभी समझाता इन मेथड को, ये सब बेकार होते हैं कि पहले नीचे आओ फिर ऐसे जाओ फिर ऐसे आओ, ये तभी काम करेगा जब बी बी होगा, अगर आगे पीछे तो काम नहीं करेगा। ये वाली ट्रिक सबसे अच्छी होती है बैलेंस करने वाली, हमेशा कारगर साबित होती है। चार दूनी आठ, चार तीया बारह, पांच तीया पंद्रह, ये ठीक है तरीका पता होना जरूरी है, लेकिन बेस्ट तरीका बैलेंस वाला रहता है।
अगर मान लो सी और बी हो गया, फिर क्या करोगे, फिर उल्टा करना पड़ेगा। तो तरीका बेस्ट क्या है आपके लिए कि आप ए और बी देख रहे हो दो तीन, बी और सी देख रहे हो चार पांच, आपने कहा तीन है चार है, ये बराबर होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके बराबर कर दिया बस उसके। और ये तरीका तीन में ही लगेगा, चार में लगेगा ही नहीं। अब जैसे अगला सवाल है, देखो अब क्या करो, मामला पेचीदा हो गया है ना। देखिए तो क्या करो, इसको पहले सही से लेके आओ, इसको पहले सही से लेके आओ, इसको पहले सही से लेके इधर रखिए, बनाओ। ऐसा मेथड पढ़ो जो यूनिवर्सल हो, किसी पे भी काम हो जाए। आपने क्या कहा, ए और बी, इसको बैलेंस करो, 2/9, 1/3, 3 से मल्टीप्लाई, 2 अनुपात 3, यहां मल्टीप्लाई 2 से, अब यहां देखो डी, पहले इसको बैलेंस करो। तो आपने क्या कहा, ए बी और सी, यहां 3 4 ही तो वही, 4 से और 3 से, 4 2 8, 4 3 12, 5 3 15, डन। एबीसी हाउ इज दैट फास्ट? नहीं समझे बिल्लू कह रहे हैं, बिल्लू बेटा एक बार हैंड रेस करो, क्या समझ में नहीं आया, मैं वही समझाता हूँ। क्या समझ नहीं आया? मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसको देखो ना, इसको ये आपने क्या कहा भाई, ये 2/9 है, 1/3, तो यहां मल्टीप्लाई 3 से, यहां मल्टीप्लाई 3 से, तो ये हो गया 2/3। अब सही है भाई, नीचे बैलेंस कर दिया। फिर मैंने कहा बी अनुपात सी, यहां मल्टीप्लाई 2 से 2 से, 4:5। उसी तरीके से मैंने कहा डी रेशियो सी, 7/10, 3/5, यहां 2 से कर दिया। आप देखो मुझे बैलेंस करना है, तो सबसे पहले तो मैं एबीसी को बैलेंस करता हूं कि यहां पे 3 4 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर देंगे, 3 4, यहां 4 से कर लो और यहां 3 से कर लो। तो आपने कहा ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी, 8 12 और 15। अब यहां पर जो सी है वो 6 है, देखो अब यहां पर बेसिकली सी और डी कितना है, 6:7, लेकिन आपने कहा सी तो 6 15 है, तो यहां 2 से कर लो और यहां 5 से, 30 30, तो ये हो गया ए बी सी और डी, 16 24 30 और 35। कैसा लगा मेथड? बैलेंस करना का जो मेथड है वो आपको बहुत जरूरी है सीखना है, अगर ये मेथड आपने सीख लिया तो आपका मैक्सिमम काम आसान हो जाएगा। एवरीवन फास्ट, जल्दी से बोलो, फास्ट फास्ट फास्ट, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट्स? ठीक, अगला सवाल, यू विल ट्राई योरसेल्फ एक बार।
तो आप क्या कहोगे, आप ये कहो कि ए रेशियो बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट्स को समझना। तो आपने क्या कहा, दोनों का सम कितना हो गया चार। फिर आपने कहा सी रेशियो ए प्लस बी। अब आप एक चीज बताओ कि यार ये भी ए बी सी ए बी सी इनका सम चार है, इसका 12, तो यहां तीन से मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, बैलेंस ही करना है हमको, तो है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए अनुपात बी प्लस सी, तीन एकम तीन, तीन दिया नौ। ये हो जाएगा सी रेशियो ए प्लस बी। अब आप क्या कहोगे कि दोनों का सम आपका 12 आ गया 12, तो आप क्या कह सकते हो कि ए को कंपेयर किया तो ए इज इक्वल टू 3 होगा, सी को इससे कंपेयर किया सी 5 हो जाएगा। तो सी कहीं भी रख लो, यहां रख लो सी, तो बी हो गया 4, तो 5 4 9 3 12 एबीसी आ गया। तो बोल रहा है कि फाइंड बी रेशियो ए प्लस बी, तो बी कितना है 4, ए प्लस सी कितना है 8, तो आंसर हो जाएगा 1:2। एनी डाउट एवरीवन फास्ट। जिसको डाउट होगा भी हैंड रेज करना। ए प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस सी, तो आप कंपेयर करो। आपने कहा ए प्लस बी की वैल्यू मान लो 4x है, बी प्लस सी की वैल्यू 7x और 9x है, तो दोनों को जोड़ दो ए ए बी बी सी सी, तो ये हो गया 2 ए प्लस बी प्लस सी, 7 4 11 और 9 20x, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 10x, आया ना बोलो। तो 10x की वैल्यू कितनी है 90x बराबर हो गया 9। तो अब यहां पे रखो तो ये हो जाएगा 36, 9 7 63, 9 9 81, डन। तो आपने क्या कहा a प्लस बी इतना हो गया, b प्लस सी a प्लस, और यहां रखोगे आप तो a प्लस बी प्लस सी बेसिकली 90 हो गया। अब पूछ रहा है कि फाइंड सी, तो C कैसे निकालेंगे, A प्लस बी रख दो, A प्लस बी 36 प्लस C 90, तो C इज इक्वल टू 54। किसको समझ में नहीं आया हैंड रेस, मैंने क्या कहा जिसको समझ में नहीं आया एक बार हैंड रेस फटाफट, लेट्स हैव अ कॉल विद सम पीपल, चलिए हैंड रेस कीजिए फटाफट से। हाँ जी, क्या समझ में नहीं आया? हेलो 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 की बात भी सर। यस सर, सर मुझे ये नहीं समझ आया कि ये ए प्लस बी प्लस सी का ये जो आप निकाले हैं तो ये 2abc होता है, और सर इसका मतलब फ्रैक्शन मुझे ठीक से समझ नहीं आया सर। ए प्लस बी रेशियो, यस सर, इसका मतलब बराबर होता है, बताया ना। जी जी, आर एक्स हो गया, तो क्लियर है जी सर। जी जी, बी प्लस सी साथ ये भी क्लियर है? यस सर, इनको जोड़ दिया मैंने,
ओके दो बार फेंक दिया यस सर इधर जोड़ा मैंने कि 20x यस सर दो से डिवाइड कर 10x हो गया यस सर यस सर x की वैल्यू 9 9 आ गई यहां पे रख यस यहां पे रख दी यहां पे यस सर आई गॉट इट सर a प्लस b 36 यस 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 सर ओके सर थैंक यू सर आई होप कि इनके साथ साथ बाकी लोगों को भी समझ आ गया होगा कॉल पे लेने का मकसद क्या होता है कि थोड़ा बच्चे को फील आ जाता है बाकी लोग भी फील कर सकते हैं अगला सवाल सेम कॉन्सेप्ट से यू विल ट्राई एवरीवन चलिए शाबाश क्या कह रहा है कि a प्लस b b प्लस c और c प्लस a सेम कॉन्सेप्ट है a प्लस b 6x है b प्लस c 7x है जोड़ दो तो 2 हो गया 7 से 13 और 8 ए प्लस बी प्लस सी तो और इसकी वैल्यू कितनी है 14 फास्ट एक्स कितना हो जाएगा 7 3 21 7 2 14 एक्स हो जाएगा 4/3 अब यहां पर रखेंगे ए प्लस बी कितना हो जाएगा 8 और आपको ए बी सी 14 देखा तो ए प्लस बी 8 है बेस्ट अरे भाई कोई डाउट है तो पूछो अरे यार फास्ट एनी कंफ्यूजन ठीक है नेक्स्ट अगला सवाल ये वाला भी सेम फिर से प्लीज अब मैं रिकॉर्डिंग कल्याणी आप रिकॉर्डिंग देख लेना कुछ भी नहीं किया बस डेटा ही तो चेंज किया यार उसमें भी रिपीट बोल रहे हो उसका मतलब पहला वाला भी समझ नहीं आया होगा ये वाला देखो जब भी ऐसा लिखा होता है तो सेम अप्रोच है ए रेशियो बी चार बिंदी का मतलब बराबर है बी रेशियो सी तो बैलेंस कर लो बराबर ही है तो ए बी और सी यहां रख दो ए प्लस बी प्लस सी 7/10 और 4/14 सी की वैल्यू 7 आंसर हो जाएगा बेस्ट फास्ट ठीक है अगला सवाल अब आता है इस तरीके से ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट किया अब ये वाला सवाल है कि आपने एक्स रुपए को बांटना है अमंग ए बी सी में ए और बी का रेशियो बी और सी का डिफरेंस बिटवीन ए और सी 546 तो कैसे करोगे कि ये ए और बी का रेशियो दे रखा है 6:7 बी और सी का दे रखा है 3:2 इसको बैलेंस करो तो कैसे बैलेंस करोगे यहां मल्टीप्लाई 3 से यहां मल्टीप्लाई 7 से 3 6 18 21 7 2 14 ये आ गया अब देखो डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी ए और सी का डिफरेंस हो गया 4 4 की वैल्यू 540 अरे कुछ तो बोलो 1 बराबर
फोर वन जा फोर, फोर्टीन, चार दिया चार पंजे, तो पूछ रहा है कि x, x बेसिकली इनका सम हुआ, तो 21 और 14, 35 और 18, 53। आप क्या करोगे, कर लोगे सॉल्व? एवरीवन थम्स अप, फास्ट। गाइस फास्ट, गोटा ऊपर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला सवाल ये वाला ट्राई करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, बहुत मुश्किल है। सम ऑफ मनी डिवाइड अमंग एबीसीडी इन रेशियो इतना। शेयर ऑफ सी इज इतना मोर देन शेयर ऑफ ए, तो बोल रहा है कि शेयर ऑफ सी इसका हिस्सा कितना ज्यादा है, इससे 6 रुपए ज्यादा है। 6 की वैल्यू 24/12, तो एक की वैल्यू 6 चौक 24, 6 × 12, तो व्हाट इज द अमाउंट मनी बी और डी टुगेदर, तो बी और डी टुगेदर 13 और 5 18। डन, बेस्ट। बेटा हाँ या ना बोलो, फास्ट समझाओ। ठीक है, बेसिक से ही दे आर बेसिक्स, एक्चुअली ये बेसिक है कि कौन रेशियो है, किसको कैसे तब्दील करना है। बनाइए, बना बनाओ समझ, और जब इसको घर पे रिवाइज करोगे तो देखो अच्छा समझ आएगा। इसको पहले पढ़ो कि 1170, तो जिसको आपने इसमें बांटा बाय मिस्टेक, आपने इसमें बांट दिया, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड इतना गलती से इसमें बांट दिया इसकी जगह पर, तो किसको फायदा हुआ, तो पहले बांटो इसको, दो चीज बनेंगी। 1170 पहले आप बांटते हैं, अब बांटना कैसे वो समझ में आ रहा ना कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, तो 4 × 3 = 7 और 2, ये 9 की वैल्यू है। डन, 4 × 3 = 7 दोनों 9 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 13, तो 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52। अब हुआ क्या, गलती से इसमें बांटना था एक्चुअल में, तो इसका मतलब हुआ 12 × 2 = 6, 3 × 4 = 4, इसमें बांटना था। छ, 4 और 3, एक्चुअल में इसमें बांटना था, इसमें बांट दिया, तो 6 × 10 = 3, 13 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 90, तो 540, 9 × 6 = 36, 9 × 3 = 27। अब देखो ये मेरे पास एक्चुअल होना था, ये बाय मिस्टेक हो गया, तो फायदा किसको हुआ बताओ, फायदा किसको हुआ भाई साहब, इसको तो इसको इससे नुकसान हुआ, फायदा हुआ सी को, इसको देखो इसको फायदा हुआ, तो सी को फायदा हुआ कितने का, 250 रुपये। अभी आप मेरे साथ क्या सीख रहे हैं कि रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, इस पे सवाल पेचीदा कैसे होते हैं। लॉस किसको हुआ, सबसे ज्यादा ए को लॉस हुआ, लेकिन बेनिफिट बोल रहा है तो सी को। अब किरण बोल रही है सर प्लीज रिपीट, किरण मैं फिर एक बार जरा हैंड रेस करो, किरण एक बार हैंड रेस करो, लेट्स हैंड रेस। हाँ जी, लेट्स टॉक टू किरण।
बताइए किरण, क्या समझ नहीं आया? गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे को सेकंड वाले जो मैडम एक बात, ये समझ आया कि कैसे बनाया? नहीं तो देखो, 2 3 4 कैलेसेंस, 2 3 4 कैलेसेंस, अरे कॉमन तो 12 सब में तो 2 से 6 पास, 3 से 4। ओके सर, ओके, क्लियर। चलो, और किसको और तो मेरा भी डाउट है, कॉल कर दीप माला लाओ, और दूसरे जी दीप माला को कॉल लगाए, कॉल का सिस्टम बहुत सही है। एंड दीप माला आपको कॉल किया जा रहा है, बताइए, एक बार हैंड रेज करो दीप माला। जिसको कंफ्यूजन है पूछो, मैं चाहता नहीं कि आगे बढ़ने से पहले। हाँ दीप माला बताओ। जी सर, वो ऊपर आपने 6 4 3 का रेशियो निकाला है ना? हाँ जी सर, वो समझ में नहीं है उसको बैलेंस। मैं समझा रहा था उस समय, आप कहाँ थी दीप माला? जी सर यही थी, वो ऊपर समझ में नहीं आया मुझे, अभी भी नहीं आया समझ में। नहीं वो सिर्फ वो 6 4 3 वो कैसे निकालो वो समझ में नहीं आया, बाकी तो आगे। दीप माला एक बार देखो, कहाँ से बोल रही हो आप? जी सर मैं मंदसौर एमपी से। एमपी से बोल रहे हो, अभी आप घर बैठ के पढ़ रही हो कहीं बाहर बैठ के पढ़ रही हो? नहीं घर पर ही सर। चलो फोकस करो मैडम, देखो 1/2, देखो आवाज आई ना पीछे से, इसलिए डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है आपको। इसका एलसीएम कितना होता है मैडम? जी 12। 12 तो 2 से कितनी बार जाएगा? 6 बार, 3 से 4 बार, 2 से 3 बार। और कोई समस्या? जी सर नहीं। और बताओ ना, ये कॉल वाला सिस्टम सही रहता है वैसा? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, सेम क्वेश्चन है कि 249 को डिवाइड करना है एबीसी में, अगर हम 15 रुपए ए के घटा देते हैं, 30 रुपए बी के और 50 रुपए सी घटाने के बाद रेशियो, ये रेशियो घटाने के बाद है तो एबीसी का रेशियो, दिमाग लगाना, ट्राई कर लीजिए। चलो बनाओ। ए कितना हो जाएगा? ये डिक्रीज के बाद है ना,
आप क्या कहना चाह रहे हैं? 3 2 5 और 7 12 x, 5 और 3 8 और 1 दिस वी हैव गिवन चॉइस। समझ में आया कि नहीं है भाई? ये रेशियो घटाने के बाद तो मैंने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ये हो जाएगा सीधा। कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं, आपको समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो भाई, कोई डाउट है तो। अब 12x = x = 200, तो ये पूछ रहा है ए का बताओ। ए बेसिकली 3 × 2 = 615, 7 × 2 = 430, 7 × 2 = 14, 150। डन। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा बेटा। हाँ ना, बोलो फास्ट एवरीवन, जल्दी से फास्ट। अगला सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, विल ट्राई योर से बनाइए। इतना 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 सब्ट्रैक्ट किया तब ये हुआ, तो आपने क्या कहा? m 9x + 24। नौ 8 17 और 13 30x, 8 10 6 16 का 6 कैरी, 3 2 5 7 और 1 8 बराबर 216। x की वैल्यू 70। हम क्या कह रहे हैं? तो 7 9 63। बेस्ट। इतना रेशियो समझ में आ रहा है कि क्या रहा जब पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें आता है मिल्क वाटर वाला क्वेश्चन, कि मिल्क वाटर इतना है, इतना मिलाया तो इतना। बहुत लड्डू सवाल है, क्लर्क में आता है। तो आप दो तरीके हैं, मिल्क आप कहोगे 3x, पानी आप कहोगे 4x। तो क्या मिलाया? 3x 4x। क्या मिलाया? पानी 3। तो रेशियो बराबर 3, 3 से 3 कटा। 5x = 4x + 3। सॉल्व किया, x बराबर यहाँ रख दिया, ये 9 ये 12, ये है x मान के। अगर रेशियो से बनाएंगे तो कैसे करेंगे कि मिल्क वाटर 3 4, बाद में कितना हो गया? तो आपने मिलाया क्या? पानी मिलाया ना आपने? अरे भाई साहब, पानी मिलाया ना आपने? तो पानी कितना मिला रहे हैं? 1। तो 1 बराबर कितना है? 3 बराबर 9 4 बराबर। ठीक है, एक और प्यारा सवाल है, विल ट्राई योर सेल्फ।
देखो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:5 14 लीटर पानी मिला के तो कितना होगा, क्या मिला के? हाँ जी ठीक है, क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। मिल्क को बैलेंस करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपने क्या किया, मिल्क वाटर 2:5, बाद में मिल्क वाटर 2, कितना जोड़ रहे हैं, 1:14 है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, 14 दिन। इजी क्वेश्चन। अगला सवाल सेम क्वेश्चन है,
रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, दूध पांच मिल्क और पांच पानी, आप क्या करेंगे? सेम अप्रोच, मिल्क आपका 2x, पानी आपका 3x, 2x में 5 ऐड कर दिए, 3x में भी 5 ऐड कर, 3/4, 4 × 8x, 3 × 9x, एक्स की वैल्यू हो गई 5। अब वो कहना चाह रहा है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वाज प्रेजेंट, 3 × 5x, 5 × 5, डन। तो ये सवाल क्लरिकल के हैं, पीओ वीओ में नहीं आते, बट क्लरिकल में। अगला सवाल भी सेम ऐसे ही, जल्दी से ट्राई करेंगे। बैक टू सवाल, हरी एंड फास्ट। कह रहा है कि 54 लीटर का मिक्सचर है, इसमें 5-4 के रेशियो, जैसे मर्जी वैसे कर लो आप, बहुत आसान है, 5-4 में बांट दो। बांटते कैसे, वो तो पता ही आपको, 4 × 5 9 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 6, 6 × 24, 6 × 5 = 30। अब वो क्या कह रहा है सुनिएगा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड। तो आपने क्या कहा भाई साहब, मिल्क जो है वो 24 लीटर है और जो पानी है वो 30 लीटर है। तो 24 में क्या मिलाया आपने, पानी मिलाया ना, तो 30 + x रेशियो हो जाता है 2/5, 2 से 12, 12 × 5 = 60, एक्स की वैल्यू आ गई। हम सब एक बार अभी एलिगेशन वेलिगेशन के चक्कर में मत पड़ो, बेसिक समझो, बेसिक बहुत जरूरी है। एक और सवाल ट्राई करेंगे, समझ ना।
रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स बैग पी एंड बैग क्यू में इतना दे रखा है, कैसे बनाओगे? नंबर ऑफ बॉल बैग पी, तो बैग पी में अगर मैं बात करूं, बैग पी में या बैग पी एंड बैग क्यू, अब देखो बैग पी में बॉल है 2x, पांच बॉल बैग क्यू से निकाली, पांच यहां से निकाली और यहां डाल दी, तो नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल हो जाती है। तो ये और ये x बराबर 10, तो नंबर ऑफ बॉल्स ईच बैग नाउ इसमें भी 25, इसमें भी 25, 25। अगला सवाल, रेशियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि हाँ सर, रेशियो मतलब बहुत टेक्निकल टॉपिक में से नहीं, आसान टॉपिक है, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी और कुछ। आप पार्टी जो गर्ल्स से आपकी वो एक्स, सॉरी बॉयज जो है वो एक्स है, गर्ल्स 2x। इफ टू बॉयज एंड टू गर्ल्स वेंट आउट, तो लड़के कितने बच गए, लड़कियां कितनी बच गई, रेशियो बिकम्स 1:3। इक्वेशन फॉर्म करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3x 2x-2 यहाँ ले आओ इसको, x बराबर बॉयज और गर्ल्स परसेंट, 2 और 1 3 × 4, ये 4 है, ये 8 है। एवरीवन फास्ट, एक बच्चा बोल रहा है कि ये तो लेंथ है, बेटा एक काम करना छोड़ देना समय, और क्या बोल, ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी कर। चलिए एक और, ट्राई करो इस वाले को।
हुआ किसी काम से, क्वेश्चन को समझना था रेशियो के ऊपर ही, क्योंकि स्कूल में 4 बाई 9 बच्चे लड़कियां हैं, बाकी लड़के 3 बाई 4 लड़कों का बिलो 12 है, 5 बाई 12 लड़कियों का 12 12 से ऊपर के, बिलो 12 से 480 तो 5 बाई 18 निकल, कैसे करेंगे 4 बाई 9। मान लो कि हमारे पास 90x बच्चे, मान लेते कोई इशू तो नहीं मानने में यार, 90x बच्चे, तो आपने क्या कहा 40x आपकी गर्ल्स है, 50x आपके बॉयज है। अब 3 बाई 5 लड़कों का बिलो, लड़कों का 3 बाई 5 यानी 30x लड़के बिलो गए, प्लस 5 बाई 12 12 और 12 से ऊपर के, तो 5 बाई 12 मतलब इसका 7/12 हो जाएगा, तो 40x का 7/12 ये 480। क्या करोगे 4 से 10 बार, 4 से 3 बार 30x 70/3 तो ये हो गया 3x बराबर, जैसे x बराबर 9 आ गए हाल, तो ये हो गया 810। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसका भी 5/18 चाहिए, तो क्या करोगे 810 9 9 9 2 से 45 इंटू 5 है? तो आसान है, कोई कंफ्यूजन एवरीवन बोलो फटाफट से, मेरे हिसाब से होना तो नहीं चाहिए आसान, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ, दिस इज फॉर द होमवर्क, आप ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है बस डेटा चेंज, और एक बार ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, कल हम पढ़ेंगे इसमें जो सबसे ज्यादा पीओ में बनता है सवाल, मिल्क इतना है, पानी इतना है, मिल्क निकाला जाता है ये निकाला जाता है, वो हम डिस्कस। एवरीवन फास्ट, डन, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर, ये वाला भी स्क्रीनशॉट भी, कल मुलाकात करते हैं 2 बजे, और रात में भी क्लास में दिखा पाऊंगा, ठीक है, चलो बाय बाय। और नया शेड्यूल आपने चेक नहीं किया होगा, मैं दिखा देता हूँ, कल से स्पेशल क्लासेस जो हमारी 5 दिन की प्रैक्टिस चल रही है जबरदस्त वाली, वो ये रहा।